हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वॉशिंग मशीन में जो हमारे ड्रायर फंक्शन होता है, जो कपड़े सुखाने का जो ये फंक्शन होता है, उसमें अक्सर दोस्तों ये दिक्कत आती है कि मशीन हमारी चलती तो है लेकिन उसमें जो है कपड़े जो है सूख नहीं पाते हैं, या पूरे फुल 100% जो है इसके अंदर ड्रायर नहीं हो पाते हैं, सूख नहीं पाते हैं या रिंस नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, तो उसी के लिए आज आपको मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूँ, या उसमें क्या कमी होती है वो भी आज आपको मैं आगे बताने वाला हूं। तो लास्ट तक बना रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके किस तरह से हम इसको जो है सॉल्व करें। ठीक दोस्तों, वैसे कि मेरे पास भी एक दो दोस्तों का कमेंट आया था कि दोस्तों हमारी मशीन चलती है लेकिन कपड़े नहीं सुखाती है, वो भी इसका एक अच्छा सोल्यूशन है। दोस्तों देखिए, जैसे मैं आपको दोस्तों बताता हूँ इसके अंदर, जैसे मशीन को चालू करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी मशीन जो है अच्छे तरीके से देखो चल रही है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये अपनी मशीन जो अच्छी तरीके से पूरी फुल स्पीड से घूम रही है लेकिन कपड़े जो है जब इसमें डालते हैं तो सूख नहीं पाते हैं। ठीक दोस्तों, उसका एक कारण होता है दोस्तों, आपको जब भी आपके इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले दोस्तों करना क्या है, आपको जो है इसके अंदर कपड़े डालने हैं। ठीक दोस्तों, कपड़े डालने के बाद आपको सबसे पहले इसके अंदर आपको देखना यह है कि हमारा पीछे की तरफ से जो हमारी जो पीछे है जो ये कनेक्शन होता है दोस्तों, जहाँ से पानी बाहर आता है, वो आपको देखना है हमारा वहाँ से पानी बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक दोस्तों, अगर वहाँ से आपका पानी बाहर आता है तो उस कंडीशन में आपका जो है ये कैपेसिटर वीक हो सकता है, जिसे हमारी मशीन जो है लोड नहीं ले पाती है कपड़े डालते समय। ठीक दोस्तों, और दूसरी बात, अगर आपका कपड़े डालने के बाद आपकी मशीन में से पानी बाहर नहीं आता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन से पहले तो आपको दोस्तों करना क्या है, आपको जो ये कवर खोलना है, आपको मशीन बंद कर लेना है और आपको मशीन की जो है पिन बाहर निकाल लेनी है। उसके बाद सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ बोल्ट दिए होते हैं, वो हर मशीन में अलग अलग जगह पर अलग अलग बोल्ट होते हैं, ऊपर एक ही फ्रेम होती है। ठीक दोस्तों, ये फ्रेम आपको जो है खोल लेनी है। ठीक दोस्तों, वैसे मैंने इसके बोल्ट खोल रखे हैं, मैं सिंपली इसको जो है हटा लूँगा। अगर आपके मशीन में अलग तरह से कोई बोल्ट दिया हुआ है, किसी में एक बोल्ट, किसी में दो बोल्ट, ये सैमसंग की वॉशिंग मशीन है 6.2 kg की, इसमें अलग तरीके से दे रखा है, इसमें दो बोल्ट दिया है, वो हमें खोलने हैं। ठीक दोस्तों, ये खोलने के बाद सिंपली आपको दोस्तों करना क्या है, आपको फिर जहाँ से ये देखिए आपको दोस्तों यहाँ पर एक रिंग खांचा बना हुआ है, उसमें आपको जहाँ से पानी निकलने की जगह होती है वो आपको अंदर की तरफ देखना है। ये दोस्तों जिस तरह से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ आपको आपको दोस्तों नजर आ होगा यहाँ पर कोई कपड़ा फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से कई बार होता है दोस्तों, मशीन के अंदर कपड़ा फंस जाता है जिससे पानी जो है यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है और हमारी मशीन जो है चलती है लेकिन कपड़े नहीं सुखाती। कपड़े सुखाएगी कैसे दोस्तों, उसमें अगर पानी भरा हुआ रहेगा तो मशीन कपड़े सुखाने का चांस ही नहीं रहता है। अगर पानी बाहर आ जाता है कपड़े सूख जाता है, अगर कपड़े बाहर पानी बाहर ही नहीं आएगा तो उसमें कपड़े सूखेंगे नहीं। इस तरह से आप इसको जो आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब मैं आपको कपड़ा निकाल के बाहर निकाल, कपड़ा निकालने का आपको दोस्तों करना क्या है, आपको ये ड्रम, आपको ड्रम थोड़ा सा तिरछा कर लेना है, उसके बाद आपको अंदर हाथ डाल के बाहर निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको जो बाहर निकाल, आपको टेढ़ा कर लेना है, उसके बाद सिंपली आपको दोस्तों इस तरह जो कपड़ा जो है बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, तो इसमें आपको देखो तो नज़र आएगा एक सॉक्स जो होता है, कपड़ा जो होता है दोस्तों, वो इसके अंदर फंसा हुआ है जो कि काफ़ी हद तक गीला भी है। हमारे यहाँ पर कस्टमर की तरह की शिकायत आई थी, आप इस तरह से जो है कपड़े को बाहर निकाल लें, उसके बाद सिंपली आपको दोस्तों अंदर की तरफ देखना है, उसमें आपको अगर और भी कचरा फंसा हुआ है तो वो भी आपको बाहर निकाल लेना है, अन्यथा आप उसको जो है फिटिंग करते हैं। इस तरह से आप आसानी से जो सोल्यूशन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी, तो लास्ट तक बने रहने के बल पर धन्यवाद दोस्तों।